की होगी, उसने रिहर्सल की होगी, उसने प्लानिंग की होगी, और उसके पीछे एक आदमी नहीं था, उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। बड़े शर्म की बात है, हम सभी के लिए शर्म की बात है। वो तो मर गए, उनके घर में चिराग नहीं जला, लाइट नहीं हुई, खाना नहीं खाया, लोगों ने पानी नहीं पिया, हम में से कितने लोगों ने छोड़ दिया खाना एक टाइम का भी नहीं, क्योंकि अपना तो मरा नहीं। गया तो किसी का बच्चा, गया तो किसी का अधिकारी, गया तो किसी का बाप, गया तो किसी का बेटा, हमारा यहाँ थोड़ी कोई मर गया। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मरेगा तभी दर्द होगा। दर्द अपने दिल में महसूस करो। अब जो मैं अगली बात बताने जा रहा हूँ, जी मैं श्रीनगर में बहुत समय तक रहा हूँ और वहाँ मैंने अपनी मेडिकल साइंस के अलावा, अपनी सिक्योरिटी के अलावा और भी बहुत सारे काम किए हैं, समाज सेवा की है, कैंप्स लगाए हैं गाँवों में। वहाँ पर हर कम से कम 40 से 50 मीटर में हाईवे पर एक मोटरसाइकिल, एक पुलिस वाला, दो पुलिस वाले मिल जाएंगे। कोई भी चीज़ जा रही है उसको चेक किए बिना नहीं जाने देते। 350 किलो RDX कैसे पहुंच गया, कैसे वो मौत का कारण बना, आज अपने कान से दिमाग में ले जाओ, दिमाग से मन और दिल में ले जाओ और ज़रा साकर सोचो इस बात को। आपको एक बार कोई छूट दे, खुद को छूट लो, बड़ा दर्द महसूस होता है, कहीं खरोंच लग जाए बच्चे को, अरे मेरा बच्चा, कहाँ कहाँ ले जाते हैं उसको, अपने को कोई चोट, अरे मेरे पेट में कुछ हो रहा है, कहीं आजकल तो लोग बोलते हैं मुझे ये तो नहीं हो गया, यहाँ कहीं चढ़ तो नहीं जाए, हार्ट में तो नहीं हो जाएगा, जरा सोचिए। और बात बताता हूँ, जीप क्यों नहीं चेक की गई। दूसरी बात, मैंने अब तक कितने मेल्स किए, पहले हमारे फौजियों की गर्दन काटी गई, क्या किया आपने, क्या किया आपने, क्या किया अधिकारियों ने, पत्थर से एक मेजर को कूट दिया गया, ऐसे पत्थरों से बिल्कुल उसका हलवा बना दिया, भरता बना दिया गया, क्या किया हम लोगों ने। उसके बाद एक और चीज बताता हूँ आपको माय डियर फ्रेंड्स, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लिखा, ड्रोन यूज करो। क्यों? आपको जंगलों में पता नहीं चलता कि कहाँ आतंकवादी छुपा हुआ है, आपका अपना देश है, ड्रोन यूज कीजिए। ड्रोन यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ हरकत है, कहाँ मूवमेंट है, तो आप हमारे सिपाहियों को बचा सकेंगे। 2014 में 148 मिलिट्री वाले मरे थे। 2014 से 2019 फरवरी तक हमारे पास 93% ज़्यादा मिलिट्री वाले मर गए। कितने मर गए? 1748। एक मिलिट्री वाले को बनाने में कितना टाइम लगता है आपको मालूम नहीं, बहुत वक्त। फिर मैं आपसे कहता हूँ एक चीज़, हम तो सिर्फ अपनों की रक्षा करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। दूसरी चीज़, हमारे सैनिक सभी की रक्षा करते हैं। तीसरी चीज़, वो हमारे लिए शहीद भी हो जाते हैं। आप में से कोई हिम्मत कर सकता है इस समय जाकर कहे कि जिसका बेटा गया है, मैं तेरा बेटा हूँ माँ? मैं आपको बताऊँ, मुंबई में ये जो चलाते हैं ना गाड़ी, हाथ गाड़ी, इन्होंने कल 18 लाख रुपये इकट्ठे कर दिए। 18 लाख कोई वैल्यू होती है? किसी ने 1000 दे दिया, किसी ने 200 दे दिया, किसी ने 500 दे दिया, उससे आदमी वापस नहीं आएगा, पर आपका जज्बा तो पता चला। यहाँ पैसा देने की बात नहीं है, यहाँ बात है कि अपनी बच्ची को बताओ, बेटा जो मरे हैं ना, जैसे तेरे अब्बा हैं ना, जैसे तेरे पिताजी हैं, वैसे वो भी किसी के पिताजी हैं, इनके दिल में ये दर्द होना चाहिए। जब तक ये दर्द होगा नहीं, ये घटनाएं बंद नहीं होंगी। लिख कर देता हूँ यहाँ इस सूरज, इस आफ्ताब के सामने, ये घटनाएं तब तक बंद नहीं होंगी जब तक हम नहीं जागेंगे। और बात सुनिए, उनका फर्ज और प्यार, मेरे साथ सब बोलिए, फौजियों का फर्ज और प्यार फरिश्तों की तरह होता है। जब फरिश्ता आसमान से उतरता है, वो ये नहीं देखता कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी भाषा क्या है, वो सबकी मदद करेगा। तो फौजी कौन हो गए? फरिश्ते हो गए, तभी तो हम यहाँ सुरक्षित हैं। आप कहते हैं हजारों मील दूर रहते हैं कश्मीर से, नहीं, सिर्फ 2.5 घंटे में पहुँच सकते हैं यहाँ उनका कश्मीर में, लेकिन हवा हालत देखिए -30 भी हो चुकी है। मैं करगिल में, करगिल के युद्ध के समय था, -30, अगर आपका शरीर बाहर निकला तो हाथ ऐसे ही रह जाता, उसमें 12 बुलेट लगकर योगेंद्र सिंह यादव आज भी जिंदा हैं, परमवीर चक्र हैं हमारे देश के। अब सुनिए, अब जरा सब मेरे साथ इसको बंद करके